रहीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 59। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्लान कज़ब बिहल अव्वलून। वातैन समूद अन्नाकत मुबसिरतन वज़लमु बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफा। वैस कुलन लका इन्ना रब्बका हात बिन नास وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا। قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا। واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا। ان عبادي ليس لك ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا। ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما। وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا। أَفَأَمِنْتُم مَّن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثم لا تجد لكم وكيلا। أم أمنتم من يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا। صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ।
आयत नंबर 59 है, 59 नंबर। वमा मनाना नुर्सिल बिल आयाति इल्ला अन कज्जब बिहल अव्वलून वातैना समूद अन्नाकत मुबसिरतन वज़लमु बिहा वमा नुर्सिलु बिल आयाति इल्ला तख्वीफा। देखिए इस आयत मुबारक में ये कुरैश कुफार मक्का उनके एक मुतालबे का जवाब है। वो अगरचे अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से मोजज़ात दिए, बहुत से, लेकिन उनका मुतालबा ये था कि बहुत बड़ा कोई हिस्सी सा आप मोजज़ा दिखाए हैं, क्योंकि पहले रसूलों का वो सुनते थे ना। आप तो आखिरुज़्ज़मा थे, तो आपसे पहले जैसे हज़रत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला ने मोजज़ा दिया था ना कि उनका असा वो असदहा बन जाता था। हाँ, हज़रत ईसा को बहुत बड़ा मोजज़े, जैसे मुर्दा को जिंदा करते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, तो ये सारे उन्होंने सुने हुए थे। तो वो मुतालबा करते थे ऐसा कोई बड़ा मुतालबा, वो मोजज़ा आप दिखाएं ताकि हमें ये हो कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, फिर हम आपकी बात मानेंगे, आप पर ईमान लाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा मौजज़ा दिखा सकते थे, लेकिन क्या पहली कौमों को जो मौजज़ात दिखाए वो सारे ईमान ले आए थे? एक मिसाल भी दे दी, कहा कौम समूद को तो वो मौजज़ा दिखा दिया जो उन्होंने ख़ुद मुतालबा किया, और मुतालबा भी ऐसी चीज़ का किया कि वो अनहोनी चीज़ उनके ख्याल में था कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अपनी तरफ से सबसे नामुमकिनात में से एक बात जो है ना, वो कह दी कि जी ये सामने आप पहाड़ चट्टान देख रहे हैं, हाँ, अपने पैगंबर से कहा हज़रत सवाले से है, हमारे सामने इस पहाड़ में से आप ऊँटनी बरामद करके दिखाएं, हैं ये मुतालबा कर, और कहा ऊँटनी भी हमला हो करके दिखाएं, हाँ, अपनी तरफ से। तो जो सबसे यानी उनकी जहन के मुताबिक नामुमकिन था वो कर दिया। तो पैगंबर ने अल्लाह ताला से कहा कि जी ये कौम ये मुतालबा कर रही है, तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, करके दिखा दिया। नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी उनकी आँखों के सामने बरामद हुई। तो मौजे को मानना तो दूर की बात, उनके बताया जा रहा है कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, फ़अकरूहा, मार डाला। तो ये तो कौमों का हाल था, तो ये मुतालबा वही करते हैं जिन्होंने नहीं मानना होता। तो इस आयत में उसका जिक्र है कि ये क्या बार बार मौजज़ा मौजज़ा दिखाएं। तो पहले जिन्होंने जिन कौमों ने भी मौजज़ा देखे, हज़रत मूसा की सारी कौम ले आई थी, कितना बड़ा मौजज़ा था, लाठी असदहा बन जाए, नहीं नहीं लाते ना ये। हाँ अच्छा, अब अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि निशानियां मौजज़ात भेजना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। किस चीज़ ने रोका? कज़ब बिहल अव्वलून, ये हैं तीन लफ्ज़, इस चीज़ ने रोका। कज़ब बिहल अव्वलून, पहले लोगों ने भी तकज़ीब की मूर्तियों की भी, तो फ़ायदा ही नहीं है। अल्लाह ने कहा कि इसमें क्या है, जिन्होंने मानना होता है मान लो। एक की मिसाल भी दे दी, वह आते ही ना समूदा अन्नाकता, वो मिसाल भी दे दी रेडी रेफरेंस के लिए। तो फरमाया वमा और नहीं मना अना, मना किया हमें यानी रोका हमें किस चीज़ से, अनुरसिला बिलायात, अन के नुरसिला हम भेजें, अरसाल होता है ना भेजना, उसके साथ ये शुरू में नून मुजारे की अलामत लग गया,
हम के मायनों में, जैसे नअबुदू हम इबादत करते हैं, नस्तईन हम मदद मांगते हैं, तो नुरसिला हम भेजें, बिल आयाती निशानियां यानी मोजात, इल्ला सवाए अन कज़्ज़बा के झुटलाया था बिहा इन मोजात को, अव्वलून पहले लोगों ने भी, अव्वल की जमा हो गई अव्वलून, पहले लोगों ने झुटलाया। एक तारीखी मिसाल भी दे दी, कहा देखो वह आते ही ना, हमने अता की थी समूदा कौम समूद को, अन्नाकता, नाकता ऊँटनी को कहती हैं, और ऊँटनी भी मुबसिरतुन बसारत होती ना, इतनी बड़ी आंखें खोल देने वाली, हाँ मूर्जा यार इससे बढ़कर क्या होगा, उनकी आंखों के सामने ऊँटनी बरामद हो रही है, मुबसिरा बसारत निशानी के तौर पर, लेकिन कहा फज़लमु बिहा, उस पर भी उन्होंने जुल्म किया उस ऊँटनी के साथ। और जगह इसकी वजाहत है, जैसे सूरह हूद में है, ये जुल्म क्या किया, हालांकि उसके पानी की बारी भी मुकरर कर दी, क्योंकि ये पानी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीती थी ऊँटनी, बहुत ज़्यादा पीती थी, तो अल्लाह ताला ने एक दिन ही उसका मुकरर कर दिया अलग से, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो ना, हाँ अलग ना, हाँ देखो तो सही। और ये सब हुआ तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने कहा ये चरती फिरेगी यार, रिस्क देना मेरा जिम्मा है ना, बस इसे बुरी नीयत से हाथ ना लगाना, फिरती रहे खाती रहेगी, रहा पानी जैसे ये भी बता रहे हैं पानी बहुत पीती थी, तो वो बारी मुकर्रर कर दी, सारे मसाइल हल कर दिए, इसके बावजूद भी बदबख्तों ने उसको छोड़ा नहीं, ये है जुल्म करना। तो कहा वमा नुरसिलु बिल आयाती इल्ला तख्वीफा, और वमा और नहीं नुरसिलुल आया नुरसिलु बिल आयाती हम भेजते निशानियां यानी मौजज़ात इल्ला सवाए तख्वीफा, तख्वीफा खौफ से है, खौफ दिलाने के लिए यानी खबरदार करने के लिए, तंबीह करने के लिए, मकसद तो यही होते हैं ना। तो आयत में फरमाया ये जो फरमाइशी प्रोग्राम है ना कि मौजज़े दिखाओ निशानियाँ दिखाओ, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम इसलिए नहीं भेजते कि पहले लोगों ने भी इस चीज़ को झुटलाया, मौजज़ात दिखाए हमने लेकिन उन्होंने नहीं माना, और कहा जैसे देखो कौम समूद को हमने ऊँटनी का मौजज़ा दिखाया तो उन्होंने तो उसको मार ही डाला, और इस तरह उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो कहा निशानियाँ मौजज़ात एक्चुअली अगर हम भेजते हैं तो वो ख़बरदार करने के लिए भेजते हैं, तंबी के लिए हम भेजते हैं, है ना जी, अल्लाह अकबर। तो मुबसिरा बसीरत अफरोज ये बड़ा मौजज़ा था, लेकिन उस कौम ने इसको यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय उन्होंने ऊँटनी को ही मार डाला। अच्छा, और हिस्सी मौजे देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो मिट्टी से परिंदा बनाते थे, जैसे बच्चे नहीं खिलौने वगैरह बनाते वैसे, और उसमें फूंकते थे, वो लिटरली उड़ने लगता था, मौजा यार है? ये हाँ 3:49 पढ़े ना, 3:49 सारी बयानात बताई हैं, 3 आले इमरान है, आले इमरान, इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मौजज़ात दिए, ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात पूरी वजाहत है, उसी में ये है कुम बिज़्निल्लाह और परिंदे का उड़ना, और ये बताते थे कि तुमने क्या खाया, और ये भी बता देते थे घर में क्या ज़खीरा किया हुआ तुमने, हाँ कहाँ कहाँ रखा हुआ छुपा के, ये सारी एक आयत में है, ये पढ़ें आप पूरी तफसील से है, ये बयीनात हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, आले इमरान की आयत 49 में वजाहत बता दी है, हाँ ये बस सब बता देते थे, बस अल्लाह की शान है जिसको अल्लाह ताला अता करना चाहें, है ना, अल्लाह अकबर।
तो ये मकसद भी बता दिया अल्लाह ने, कहा जो निशानियां मोजात भेजते हैं ना उसका मकसद होता है अंजार, वार्निंग, खबरदार करना। और कहा कि ये देखो अंजार, ये मकसद जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये तो हमारा कुरान भी पूरा कर रहा है, हर दूसरी तीसरी आयत वार्निंग ही तो है, संभल जाओ, नेक काम करो, हैं आखिरत में जवाब देना है, संभल जाओ। हाँ तो तुम कुरान सबसे बड़ा मौजज़ा है, मौजज़ा मौजज़ा कह रहे हो, अल्लाह ताला ने बार बार यही कहा है कि जो तुम मौजज़ात कहते हो हमने सबसे बड़ा मौजज़ा दिया है। और फिर देखें वो मौजज़ात अगरचे देखने में बहुत बड़े थे, है मुर्दों को ज़िंदा कर देना और लाठी का ऐसा, लेकिन वो एक ख़ास शख्सियत के साथ मखसूस थे और ख़ास दौर के लिए थे। अगर वो लाठी अजदहा बनती थी तो सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसी दौर के लिए, अगर वो लाठी वो ताबूत सकीना मिल जाए और फ़र्ज़ करो हज़रत मूसा की लाठी उसमें हो, जैसे वो कहते हैं कि वो ताबूत सकीना है, वो गुम हो गया था, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो लाठी आज भी अजदहा बन जाए, है ना, वो उस वक्त के लिए बस हुई, लेकिन ये कुरान तो रहती दुनिया तक रहेगा, तो यह मौजज़ा है ये। हाँ हार रखी हुई है, हाँ अब पता नहीं, हाँ लेकिन हार, हाँ वो हाँ ठीक है सही ले, हाँ हाँ वो मैं याद है मुझे, यस एग्जैक्टली, तो हाँ अच्छा। वैसे अब ये देखें, ये कुरान भी क्योंकि मौजज़ा है, और यही बात जो है ना वो अगली जो आयात आप पढ़ेंगे उसमें वो तीन मसालों से और वाजे कर दी, और उसमें यही फरमा दिया गया है कि कुरान की आयात के साथ ना बहसो मुबायसा और ये इनकार का रवैया हैं, ये तुम इख्तियार किए हुए हो, तो ये सबसे बड़ा मौज़ा है, इस पर गौर व खौज करो। हाँ ये इस तरफ भी इशारा है। अच्छा आयत नंबर 60, वैस कुल न लका इन्ना रब कहा तबिन्नास वमा जालना रो यल्लती अरेना का इल्ला फितनतल लिन्नासी वश्यजरतल मलऊन तफिल कुरआन वनुखविफुहुम वमा यजीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा। अब देखिए कुरान मौजज़े की तरफ इशारा था, तो कुरान के दो बड़े वाक़यात इस आयत में आ गए हैं 60 नंबर में। हाँ दो बड़े कहा, तुम तो उसका भी तमस्कर उड़ाते हो, तुम्हें क्या मौजज़े, तो आयत नंबर 60 में दो मौजज़ा थे ना, कुरान में हैं, एक तो वाक़या मेराज है कुरान में, सूरे नजम में भी है और बनी इसराइल में भी है, ये कुरान में है ये, और सूरे नजम ये 17 नंबर है, ये 53 नंबर है। वो मजाक क्या, वो कहते थे हाउ इट इज़ पॉसिबल यार कि आसमान इतनी दूर है, वो कह रहे हैं कि सातों आसमान की सैर और जन्नत जहन्नम, और वापस आए तो कुंडी हिल रही थी, तो ये मजाक तमस्कर उड़ा रहे हैं कि यार ये क्या आप अमिल माजल्ला माजल्ला जो है ना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अच्छा दूसरा ये कहा कि ये जो अमालियाँ और कुफर और निफाक में पड़े हुए हैं इनके लिए दोजक बनाया है, और कहा दोजक में तुम्हारी खुराक पता क्या है, कहा जकूम का दरख्त है, तो उस पर भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा एक तरफ कह रहे हैं दोजक, और कहते हो कि जी दोजक में आग भड़कती होगी, तो आग में कभी दरख्त उगाए जकूम का दरख्त, अल्लाह ने कहा ये फितना हमने इनके लिए आजमाइश बना दी, ये कह के जकूम का दरख्त, जकूम का दरख्त
वो भी जहन्नम में, जहन्नम में तो होती है आग है, जहन्नम में है? इन दोनों का ही उन्होंने माशाल्लाह इस्तेहजा किया, इस तहजा, ये उनकी खुराक है। हाँ हाँ, जहन्नमियों की खुराक है। लेकिन वो ये कहते कि यार ये दरख्त जहन्नम में कैसे हो सकता है, आग में तो नहीं हो सकता। यानी ये अल्लाह, आग भी तो अल्लाह ही नहीं बनाई है, आग तो अल्लाह चाहे तो ठंडा भी कर देता है। हज़रत इब्राहिम के लिए ठंडा नहीं किया, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है यार। तो यही है, लेकिन ये बात हो रही है तमस्खर, ये ना उड़ाने की कि बात को ना करना, ना समझना, अल्लाह अकबर है ये बात है। अच्छा जी, वैस कुलना लका इन्ना रब्बका हाता बिन्नास वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नासी व शजरतल मलऊनता। ये आ गया ज़कूम, व शजरतल मलऊनता फिल कुरआन व नुखविफुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा। वैस, और जब कुल ना, कुल कहा ना हमने लका आपको, इन रब्बका बेशक आपका रब, अहाता बिन्नास अहाता किए हुए है, अन्नास लोगों का घेरे में लिया हुआ है, यानी कोई भी अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ से बचकर नहीं जा सकता। हाँ, फन फजू में नख्तार इस समावाती वाला, निकल कर दिखाओ अल्लाह ने जगह कहा ही है ना। अगर तुम में हिम्मत है तो रहोगे तो इसी में ना, अर्जो समा के ही उसमें ना कहा जाओगे, अल्लाह अकबर है। अच्छा, वमा जालना रोयल्लती, और नहीं हमने किया, वैसे रोया ख्वाब को कहते हैं, अल्लती जो अरे ना का, अरे दिखाया ना हमने का आपको, इल्ला फितनतन, मगर फितना कई मायनों में आता है, फितना आजमाइश के मायनों में भी, फितना फसाद के मायनों में भी आता है। तो यहाँ आजमाइश है, आजमाइश लोगों के लिए, ये देखिए ना, ये आजमाइश ही बन गई ना कि हाँ ऐसा वाकया कि जी रातों रात सारे आसमानों की सैर, अब उसको मानना, ये उनके लिए वो आजमाइश थी। इसी तरह ज़कूम का दरख्त, वो शजरतल मलऊनता, हाँ वह शजरता, और इस दरख्त को मलऊनता जिस पर लानत की गई है, फिल कुरान, कुरान में है ज़िक्र है, इनका ज़िक्र है आखिरी पारों में, ज़कूम का बाकायदा नाम लेकर है ज़िक्र ना, तो ज़िक्र है। व नुखविफुहुम, ये क्या है, ये खौफ से है, बाकी तो अलामत है ना, नून जैसे मुजारे की अलामत है, हम खौफ दिलाते हैं, हम उनको यानी हम डराते हैं उनको, और फमा यज़ीदुहुम फिर नहीं ज़्यादा करता उनका, इल्ला तुग्यानन कबीरा सवाए तुग्यानन सरकशी, तुग्यानी भी सरकशी होते हैं ना, है पानी जो है वो साहिल को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो आप कहते हैं तुग्यानी आ गई। तो इसी तरह अल्लाह की भी हदूद है, जो अल्लाह की हदूद को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करेगा वो भी सरकश बागी है, कबीरा। अच्छा, ये फमा यजीद हम नहीं ज़्यादा करता, ये वही है जो अभी पिछले दिनों नहीं पढ़ा था कि इल्ला कफूरा है, इल्ला नफूरा, कि वो उनकी उन नफरत या ऐसे एहसास में ही इजाफा होता है, वही बात है सरकशी। तो जी जी लानत, जी हाँ, क्योंकि ये जहन्नमियों की खुराक है, तो ये इस दरख्त पर लानत भेजी गई है, वो इसलिए कि ये खुराक ही जहन्नमियों की है, और सारा सिलसिला ही इसलिए है कि जहन्नम और उससे बचो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो जहन्नम से बच जाओगे तुम, तो इसलिए लानत भेजी गई है ना। अहादीस में होगा शायद, मेरे ख्याल हाँ नहीं कुरान में नहीं होगा, ऐसा अहादीस में होगा, हाँ हाँ ऐसा होगा। अच्छा,
अच्छा तो कोई भी उसकी पनाह ले सकता है, ख्वाह कितने ही बंदे मारे हों, गुनाह किया हो ना। नहीं वैसे देखिए यार, ये क्या मजा का खेज है कि करतूतें सही नहीं करनी और सजा से बचने के लिए दरख्त के नीचे आ जाओ। यार अपनी करतूतें सही कर लो, आमाल को सही कर लो। ये यकीन है कि हमें इसकी सजा मिलेगी। हाँ तो मतलब है ये सारा तो बताया हुआ है कि भाई उनको छोड़ दो गलत काम, उनको शिर्क निफाक को ना। असफल नहीं, असफल तो नीचे को कहते हैं, असफल साफिलीन वो तो नीचे को कहती है, वो दरख्त थोड़ी है, वो तो अरबी का लफ्ज है। असफल साफिलीन नीचे को कहते हैं ना, द डीपेस्ट, जिसे कहा ना अल्लाह ने बेहतरीन मखलूक बनाया लेकिन अपने बदकिरदारी की वजह से वो अथाह गहराइयों में गिर जाता है। एक तरफ तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, जब वो बर्बरियत पर आता है तो सारी हदें पार कर देता है। तो आपने देखा नहीं इंसान, उसका कई रूप ऐसे है, बंदा कानों को हाथ लगा ले जब वो जुल्म और उस पर आता है। है ऐसे भी द अल्लाह हो। हाँ अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सूरह बकरा का बड़ा अहम मौजू है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ 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 और ढील भी बहुत दी है, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानियाँ की हैं। हाँ हर हक, मनोसलवा, हाँ बहुत निमती है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला के एहसानात हैं लेकिन उन्होंने नाशुक्री की। देखें ना, पहले यही उम्मत मुस्लिमा थी, अल्लाह ने कहा फजलतुकुम अलल आलमीन, ये वो बस्ती थी। फिर अल्लाह ताला ने, ये इमाम थे, पेशवा थे, वो अल्लाह ताला ने सलब कर लिया, ये जो आप बता रहे हैं नाफरमानियों की पादाश में, पहले यही थे। तो सूरह बकरा का तो मौजू यही है, आधा आधी सूरत जो है ना वो इसी पर कि इनको क्यों माजूल किया जा रहा है। फिर उनकी जगह आपको पेशवा बनाया, आपको मीन्स उम्मत मुस्लिमा को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। ये मौजू है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, सूरह बकरा का बहुत अहम मौजू है, है ना। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स बहुत है, खुशफहमी बहुत है। हाँ यही है, बिल्कुल है, ये आयात बता रहे हैं आप, ये कुरान में भी आयत है वो। हाँ हाँ आप देखो ना, ये इस हद तक है उनका। हाँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा तो कहा वो शजरतल मलऊन तफिल कुरान, और इस दरख्त को जिस पर लानत की गई कुरान में, वनो खविफुहुम, और हम खौफ दिलाते हैं, डराते हैं उनको। कहा फमा यजीदुहुम इल्ला तुगयानन कबीरा, और हम इन्हें हर तरह से ख़बरदार तो करते हैं लेकिन इनकी सरकशी में ही इजाफा होता है, तो यानन कबीरा सरकशी ही बढ़ती जाती है, है ना जी। अल्लाहु अकबर। तो आयत में फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने सारे मुशरिकीन को ना घेरे में ले रखा है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और देखो ये जो वाक़े मेराज था आपको दिखाया, जन्नत दोजक, और ये जो जहन्नमियों की खुराक है जकूम, ये फिल कुरान, कहा कुरान में ये आयात हैं।
और कहा इन्हीं आयात को हमने इन लोगों के लिए आजमाइश बना दिया, क्योंकि उनकी अकल में ये नहीं आता था ये कैसे हो सकता है दोनों हैं, तो ये उनके लिए आजमाइश हो गया और उनके उसमें अजाफा ही होता चला गया। तो यहाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके 6 रुकू मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी टाइम है थोड़ा सा और आप पढ़ लें 11:15। तो अब रुकू नंबर 7 शुरू हो रहा है। أعوذ بالله من الشيطان وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا الله أكبر। अब ये आदम और इबलीस का वाकया ये कुरान में कितनी दफा आया है? 10 इसके 10 पॉइंट लिखे गए हैं कि जो इसमें लर्निंग लेसन्स हैं इस वाक्या में, तो 7 दफ़ा है 7 टाइम्स। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर में है, ये सेंटर में है, है? 3 इससे पहले और 3 इसके बाद, कितने हो गए? 7 हो गए। ये है सेंटर, तो ये सेंटर जो है ना ये 17। अच्छा 3 इससे पहले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, 2 गुड माशाल्लाह, 2, 7, 15, 18, 20, 38 एक इन्होंने बता दिया, ये चलो साथ साथ टेस्ट भी हो गया है। 7 क्या है जी? पहला सफा निकाल रहे हैं, 7वीं कौन सी सूरत है यार? मेरा कौन सी है? नहीं नहीं हिजर है जनाब, हिजर ये याद करना है। 17 कौन सी है? ये देखो दूसरा भी सही बताया इन्होंने, दो इन्होंने बता दिए, ये भी बता दिया और ये भी बनी इसराइल है। हाँ 18 इन्होंने बता दिए, वो सूरह काफ है, वो है सूरह काफ लेकिन नंबर के साथ बताने हैं ना। अच्छा 20वीं क्या है? सूरह तौहा है, सूरह तौहा। और 38 हाँ सूरह स्वाद, या गुड यार शाहजी